Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. Today, we'll be doing one more exercise of your English book and it's on page number 26. So, open your books on page number 26 so that we can start the today's lesson. Okay. So, this is the poem. Let's read it. Everybody has name. Everybody has name. Some are different, some are different, some are same. Some are same. Some are short. Some are short. Some are long. Some are long. All are right. All are right. None are wrong. None are wrong. So, what does this poem mean? Everybody has name. हम सबके नाम होते हैं. कुछ सबके कुछ अलग भी होते हैं. कभी-कभी सबके कुछ के same भी हो जाते हैं. जैसे क्लास में कई बार दो राहुल हो जाते हैं. या दो अभी आदित्य भी हो सकते हैं, है ना? तो सबके नाम डिफरेंट होते हैं, पर कभी कभी हमारे नाम किसी फ्रेंड से सेम भी हो सकते हैं. सम आर शॉर्ट, कुछ नाम बहुत छोटे होते हैं, जैसे अवि, तनु, एंड सम आर लॉन्ग, जैसे अखिलेश. सी, ऑल आर राइट, सभी के सभी नाम सही हैं और कोई भी रॉन्ग मतलब गलत नहीं है. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेम. नेम नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोचो अगर हम सबके नाम नहीं होते तो क्लास में कितना कंफ्यूजन होता. मैम बोलती चलो तुम उठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैम किससे बात कर रही है ना. सो नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. हम सबके नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं, बर्ड्स के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, और चीजों के भी नाम होते हैं. लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट. सब पर्संस, कोई भी इंसान, लड़का, लड़की, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, दादा, चाचा, जो भी है, ऑल द पर्संस, उन सबके नाम होते हैं ना, होते हैं? यस, हम सबके नाम होते हैं. कोई प्लेस लाइक हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, ये सब जगहों के नाम है. दिल्ली, पुणे, मुंबई, ऑल दीज आर प्लेसेस. सो दिस इज अ हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल. ओके, इट्स नेम ऑफ अ प्लेस. एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक अ कैट and a bird, any bird, like a, let it be a sparrow, है ना? Person, कोई person, इंसान, कोई जगह, कोई animal, कोई bird, या कोई भी चीज. अब चीज क्या है? Things, छोटी छोटी चीजें जो हम use करते हैं, like pen, कोई बड़ी चीज जैसे कि car. इस गाड़ी का क्या नाम है? दिस इज अ कार. कार होता है, वैन होता है, ट्रक होता है, रेलवे, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब चीजों के नाम है. सो बेटा, इन सभी चीजों के नामों को, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल्स और बर्ड एंड थिंग्स आर नोन एज नाउन्स. इन सभी के नामों को हम नाउन्स बुलाते हैं. वी कॉल देम नाउन्स, इन सबके नामों को. ठीक है, लाइक रीता और सीता. सीता इज द नेम ऑफ अ पर्सन. स्कूल, स्कूल इज नेम ऑफ अ प्लेस. एनिमल, एनी डॉग, नेम ऑफ अ एनिमल. पैरट, नेम ऑफ अ बर्ड. बुक, नेम ऑफ अ थिंक, नेम ऑफ अ थिंग. तो किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी बर्ड का नाम या किसी चीज का नाम, इन सबके नामों को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स. चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? लेट मी रिपीट इट. किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी बर्ड के नाम को, किसी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स. ओके चिल्ड्रन, सो
Let me give you a few sentences and let us solve them. So let us try to solve this exercise. We'll be finding the nouns in these sentences. Let us see the first sentence. So the first sentence is Rahul is a dancer. Rahul is a dancer. So isme noun kya hoga? Yes, try kariye. Rahul. Yes. Rahul is a dancer. So hum noun ko yahan pe circle lagayenge. Because Rahul is a name of a person. Okay? Now let's do the second sentence. Dog lives in kennel. Dog lives in kennel. Yahan pe let's see the nouns here. First of all, dog dikh raha hai, name of animal, it is a noun. And kennel. Kennel kya hota hai? Ghar hota hai dog ka. So it is a name of a place. So it is also a noun. So here are two nouns in one sentence. Third sentence, let us try this again. I need your pen. I need your pen. So name of a thing. Yes, pen is the name of a thing. So it is a noun. So are you able to find that? She lives in Jammu. So Jammu is the name of a place. Okay, children? Jammu is the name of a place. So it is a noun. I have a pet parrot. Parrot is the name of a bird. So it is also a noun. So these are all the nouns in your given sentences. Okay, children, you understood that? Okay. Now I'll be giving you some screenshots. So you will be doing that in your notebook. So after that, now first of all we solve the book exercise. Now on your page 26, there are a few columns over given there. So let us discuss what we have to do there, and you will do it in your book. There are four columns in your book. Your friend's name, friend. Okay? I don't have that much space, so I will divide it into four like this. Your friend. Second is places you know. Third is animals or birds. And fourth is name of a thing. Okay, now let's start. Now, there are many empty spaces. I am just going to give you the gist. And this is your homework. So, your friend's name. Any name of your friend. You're having so many friends in your last class. In your UKG. So, you can write the name of the friends here. So, I will write Sia. Raju, like this. Okay, these are my friend's name. You can write your own. Now the places you know. Aap kaun-kaun si jagahon ko jante hain ya aap kaun-kaun si jagahon par gaye hain. So you must have moved many of the places. As you are from army background, like Delhi you can write. Park you can write. Any other place you have seen or you have gone through, that place you can write there. Now the next column is animals or birds. So easy. Any animal, any bird, like dog, cat, sparrow. You can write animals or birds. Few animals you can write and few birds you can write. Okay? And the last is name of a thing.
कोई भी चीज लाइक चेयर, टेबल, पेन, यस यू कैन ट्राई. ओके विल यू ट्राई दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ. प्लीज डू राइट नीटली इन योर वर्क. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू राइट अ नेम ऑफ अ पर्सन, कभी भी आप किसी का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे कि मैंने लिखा था राजू, सो आई विल ऑलवेज राइट आर, बिग आर, कैपिटल आर, नॉट लाइक दिस. ऐसे नहीं लिखते हम किसी का नाम, स्मॉल आर में नहीं होगा. दिस वुड बी रॉन्ग एंड दिस वुड बी राइट. लाइक सी आई रॉट, सो हियर आई राइट सी आर कैपिटल. एंड इफ आई राइट सी आर लाइक दिस, इट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग. सो वेन एवर यू राइट नेम ऑफ अ पर्सन, जब भी हम अपना, पापा का, मम्मा का, किसी अंकल का, किसी का भी नाम लिखते हैं, देन इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर. गॉट दैट? ओके. ऑल्सो नेम ऑफ अ प्लेस, यू रिमेंबर आई रोट जम्मू, JMMU. सो हियर जे वॉज कैपिटल, है ना? सो आई रोट दिल्ली, न्यू दिल्ली, वॉट एवर. सो हियर एंड दिल्ली इज कैपिटल. सो वेन एवर वी आर राइटिंग नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ प्लेस, सो इट इज ऑलवेज बिगनिंग विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम किसी इंसान का या किसी जगह का, सिटी का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है. ओके ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.